देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं अपना फैसला ले चुका हूं, अर्जुन अब यहां इस घर में नहीं रहेगा। देख क्या रहे हो, तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? चार बेटियों का बाप जब तुम जैसे जवान लड़के को अपने घर में रहने के लिए परमिशन देता है, उसका मतलब क्या होता है जानते हो? उसका मतलब यह होता है अर्जुन, कि इस बाप ने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया। और तुमने क्या किया? मेरी दोनों बेटियों के फीलिंग्स, उनकी इमोशंस के साथ खेला तुमने। क्यों? उनके भरोसे का मजाक उड़ाया तुमने? किसने हक दिया तुमको यह करने का? अर्जुन ने किसी की फीलिंग्स? क्वाइट। जानता हूं, मैं समझता हूं इस उम्र में ये प्यार होना ये सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन तुम्हें जब पता चला अर्जुन के मेरी दोनों बेटियां निया और दिशा दोनों तुम्हें चाहने लगी है, तब तुमने क्या किया? उसका फायदा उठाया तुमने। चलो मैं कहता हूं ऐसे नहीं हो, तुम अच्छे खानदान से हो, तुम कंफ्यूज हो गए थे तो फिर किसी से बात क्यों नहीं की तुमने? मुझसे आकर एक बार बोल देते, मैन टू मैन बात कर लेते यार, कि सिचुएशन समझाते कि ऐसी बात हो गई, क्या करूं मैं, मुझसे बात क्यों नहीं की? अंकल, मैंने एक बाप का भरोसा तोड़ा, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। पर आप कह रहे हैं कि मैंने आपसे आके बात क्यों नहीं की? क्या बताता मैं आपको ये कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं देख सकता? ये कि अगर वो सैड होती है तो दिल मेरा दुखता है? ये बताता कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं? जितनी उसको मेरी जरूरत है उतनी मुझे उसकी जरूरत है। मैं भी निया के बिना नहीं रह सकता। पर अंकल, ये सारी फीलिंग्स ऐसा फ्रेंड है। यार, मैंने सिर्फ दिशा से किया और प्यार दोस्ती से अलग होता है, उसमें समय के कोई मायने नहीं होते। और चाहे वो 2 महीने का था, बट दिशा के साथ मेरा जितना प्यार था वो सच्चा था। जब मैंने दिशा को प्रपोज किया तो निया को आके सब बताया था, उसे सब पता था। पर जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, निया ने मुझे अपनी फीलिंग्स बता दी। और यकीन मानिए, जितना आप कंफ्यूज हैं उतना ही मैं कंफ्यूज था अंकल। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, निया को कुछ समझा पाता, खुद कुछ समझ पाता, एक के बाद एक चीज होती चली गई और पता नहीं कैसे हमारी एंगेजमेंट हो गई। पता नहीं तुमको कैसे एंगेजमेंट हो गई? मतलब क्या अचानक से हो गई? कैसे अंगूठी आई और तुमने उसे पहना दिया, ऐसे पता ही नहीं चला तुमको? सबके सामने खड़े थे यार अर्जुन, कपल की तरह खड़े थे, मीडिया था, हम सब थे साथ में। मैं मानता हूं मेरी गलती है और मैं रियलाइज नहीं है, ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई गलती है। उसका दिल तोड़ा है तुमने। नहीं तोड़ना चाहता था अंकल, उसे सुसाइड की तरफ नहीं धकेलना चाहता था। मैं बहुत कंफ्यूज था और उसमें मैं आपसे आके क्या पूछता? और पूछता तो आप क्या बताते अंकल, बताइए? आप भी तो मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं ना। ये तुलना का विषय नहीं है, मैं एक बाप हूं, हमारी सिचुएशन सेम नहीं है। पर दिल तो दिल होता है ना अंकल, टूटने पर दर्द तो उतना ही होता है। और मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं और आपसे हेल्प मांग रहा हूं। अंकल मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं? नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? छवि दी, प्लीज आंटी से कहना कि मैं सबसे ज्यादा उन्हें मिस करूंगा। उन्होंने मेरी लाइफ में मेरी माँ की कमी पूरी की, मुझे कभी भार का नहीं फील होने दिया। उनका प्यार सगे सौतेले से बहुत ऊपर था। और मैं सबके सामने फिर से क्लियर करना चाहता हूं, आई लव यू दिशा। मैं चलता हूँ।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक जाओ अर्जुन। निया क्या कर रही हो तुम? निया व्हाट आर यू डूइंग? जिसके बिना तुम रह नहीं सकते उसी को अकेला छोड़ के जा रहे हो अर्जुन। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं निया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हो। ओके माँ। हेलो माँ। निया कहाँ जा रहे हो? अर्जुन वहां नहीं है। नहीं मॉम, मैं अर्जुन के साथ जा रही हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अर्जुन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे किसी होटल में रखोगे या सड़क पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे किसी होटल में खाना खिलाओगे या फिर किसी रोड साइड स्टॉल पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे कभी शादी भी नहीं करोगे तो। मुझसे कभी प्यार भी नहीं करोगे तो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुम्हारा सच है वो मेरा सच भी हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। डैड अब यही चाहते हैं ना कि अर्जुन इस घर से चला जाए तो ठीक है, लेकिन जहां अर्जुन रहेगा निया भी वहीं रहेगी। मॉम मैं अर्जुन के साथ जा रही हूँ। खबरदार निया, अगर आज तुम ये घर छोड़कर गई ना तो याद रखना इस घर में वापस आने का हर दरवाजा तुमने खुद बंद कर दिया होगा। अक्षय क्या क्या बोल रहे हो तुम? अगर अर्जुन मेरे साथ है तो मुझे इस घर में वापस आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पागलपन है निया। क्या कह रही हो निया? पापा हमारे अभी भी माँ से बात हुई है। उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा है, प्लीज एक बार सुन लीजिए। प्लीज पापा। अक्षय प्लीज इस समय थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। निया को किसी भी तरह घर से जाने से रोक लीजिए। एक बेटी का घर से जाना सही नहीं है अक्षय। और जब तक आगे का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक अर्जुन ऑफिस में जाकर रह सकता है। लेकिन बच्चों को खुद से दूर मत कीजिए अक्षय प्लीज। हाँ अब मेरी बेटी के फैसले तुम्हारी माँ करेगी? इसकी जिंदगी बर्बाद कर चैन नहीं मिला ऐसे? ऑडियो भेज कर इसकी जिंदगी का फैसला ले रही है ये। व्हाट इज रॉन्ग विद हर? अक्षय आई एम नॉट अलाउइंग दिस। पापा हमें इस वक्त मामला उलझाना नहीं है, सुलझाना है। इस वक्त सब गुस्से में, सब हॉट है। इस समय हमने कोई भी फैसला लिया ना तो आगे चल के वो उल्टा पड़ सकता है। प्लीज पापा बात को समझने की कोशिश कीजिए, माँ की बात मान लीजिए। प्लीज निया और अर्जुन को रोक लीजिए। प्लीज पापा प्लीज। I'm sorry, शवी। अर्जुन अब यहाँ नहीं रह सकता, उसे जाना होगा यहाँ से। पापा अगर आप नहीं समझेंगे तो मामला कैसे संभलेगा? दिशानी और अर्जुन तीनों के तार एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इस वक्त इन तीनों को आपके गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है पापा। प्लीज निया को रोक लीजिए और अर्जुन को ऑफिस जाने दीजिए और ठंडे दिमाग से आराम से बैठ कर सोचिए। क्या तुम तीनों को माँ का फैसला मंजूर है? बोलो। मुझे माँ का ये फैसला मंजूर है। अपू आंटी जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगा। मुझे मंजूर है। आपकी बेटी इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में अगर स्ट्रेस हुआ तो शील गो इनटू डिप्रेशन और फिर इस प्रकार का स्टेप वो वापस ले सकती है। नहीं मैं निया को नहीं खो सकता। अगर उसने फिर से कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लिया तो खुद की जान लेने की कोशिश की तो नहीं, आई वोंट लेट दैट हैपन। मुझे किसी के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये घर मेरा है और इस घर के फैसले मैं लेता हूं। आज मैंने जो भी देखा, जो भी सुना, उसके आधार पर मैंने अपना फैसला ले लिया है। अर्जुन जब ये घर छोड़कर जा रहा था तो दिशा ने उसे नहीं रोका, ना ही उसके साथ जाने की जिद की और ना ही अर्जुन ने कहा कि चलो मेरे साथ। इसका मतलब साफ है कि अर्जुन और दिशा एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने अभी अभी सबके सामने ये बात कबूली है कि वो निया के बगैर नहीं रह सकता, और निया ने भी साफ कर दिया कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। देखो ना, अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार है, जबकि उसे ये भी नहीं पता है कि कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। यह है सच्चा प्यार, सच्चे प्यार का प्रमाण। इसलिए मैंने ये तय किया है कि निया और अर्जुन की मंगनी टूटेगी नहीं। इनका रिश्ता बरकरार रहेगा, बल्कि एक हफ्ते के बाद मैं खुद इन दोनों की शादी करवाऊंगा। ये गलत है पापा, आपका डिसीजन एक तरफा है। हो गया, सुन लेना, मैंने तुम्हारी मां की नसीहत, ये फैसला नहीं बदलेगा छवि। ये शादी होके रहेगी एक हफ्ते के बाद। मगर अंकल, बस तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस बारे में बात करने का। I love you, Dad. Thank you. I love you. I love you so much. Thank you. दिशा, ये लो थोड़ा सा सूप पी लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना, लो थोड़ा सा पी लो। खाना ना खाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या दिशा? और माँ भी तो कहती है ना कि भूखे पेट रहने से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। अब माँ यहाँ नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। अब जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा तुम्हें। दिशा, माँ के नाम का मान रखते हुए थोड़ा सा खा लो, सिर्फ थोड़ा सा खा लो, लो। माँ यहाँ होती ना तो तुम्हें सूप के साथ साथ, माँ यहाँ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। माँ, आप हमारे साथ रहोगी ना? हाँ बेटा, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, पर शायद हमेशा नहीं रह पाएंगे। आगे की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। पता है माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि जब भी वो हमारे आसपास ना हो ना और हम कंफ्यूजन के अंधेरे में फंस जाए तो हमें उनकी सिखाई हुई बातों को टॉर्च बनाकर अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। दिशा, आशा, माँ हमेशा हमारे साथ नहीं होगी, पर उनके दिए गए संस्कार और उनकी ताकत को हमसे कोई नहीं छीन सकता, और उन्हीं के सहारे हमें हर सिचुएशन का सामना करना होगा। मिस्टर अक्षय सिंह ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है, उन्होंने मेरे और अर्जुन के सारे रास्ते बंद कर दिए। पापा का एटीट्यूड चेंज करने के लिए हमें सिर्फ उनसे बात करनी होगी, उनके सामने अपना पक्ष रखना होगा। तो फिर आप बात करो ना दी। नहीं दिशा, दी इस बार तुम्हें बात करनी होगी, एक बेटी बनकर अपने पापा से पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ तुम्हें उन्हें अपने दिल का हाल बताना होगा। दिशा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे।
दिशा, एक फादर होने के नाते उन्हें एक मौका देकर तो देखो। हमारा दिल कहता है वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे, वो जो भी डिसीजन लेंगे ना वो तुम्हारे हित में होगा। बस तुम्हें वो मौका पूरे दिल से देना होगा उन्हें। दिशा, बात करनी थी आपसे। दिशा, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तुम्हारी माँ गई हुई है अम्मा के साथ, लेकिन वहाँ से बैठे बैठे वो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और मेरा ना सिर फट रहा है। पता नहीं तुम्हें क्या सिखाया पढ़ाया है जो तुम यहाँ के मुझे बोलने वाली हो। कभी कभी ना बेटा, रिश्तों में खुद पहल करनी पड़ती है, तभी सामने वाला भी अपना प्यार दिखा पाता है। नहीं पापा, आज मैं अपनी माँ की बेटी बन के बात करनी नहीं है, बल्कि मैं अपने पापा की बेटी बन के बात करने आई। बोलो, क्या बात करनी है? पापा, क्या मेरा आपके प्यार पर, आपकी परवाह पर इतना हक नहीं है जितना आपकी दूसरी बेटियों का? ऑफ कोर्स है दिशा, बिल्कुल हक है तुम्हारा, लेकिन मेरा फैसला मैं ले चुका हूं। अर्जुन और निया की शादी होके रहेगी। कितनी आसानी से आपने ये फैसला ले लिया ना पापा, कितनी आसानी से बोल दिया कि यही होगा। आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में एक भी बार नहीं सोचा पापा। मेरे दिल का दर्द आप तक एक भी बार नहीं पहुंचा पापा। निया की फीलिंग्स वैलिड है, पर मेरी फीलिंग्स वैलिड नहीं। निया की जिद प्यार, मेरा प्यार झूठ क्यों पापा? क्योंकि बेटा, जैसे तुम प्यार समझती हो वो प्यार है ही नहीं। इसे कोई और नाम दे दो ना, मतलब ये अट्रैक्शन हो सकता है, ये इन्फैचुएशन हो सकता है, he can crush on you, he can like you, लेकिन ये प्यार नहीं हो सकता है ना। कब से जानते हो उसे? आपने निया और अर्जुन की शादी का फैसला एक बिजनेस डील की तरह नहीं लिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गलत फहमी में मत रहना तुम। मैंने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि निया और अर्जुन एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं या कम प्यार करता हूं। नहीं, तुम्हारी भी उतनी फिक्र है मुझे। जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। मैं तब भी अर्जुन से ही प्यार करूंगी पापा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि अर्जुन निया का होने वाला पति है? तुम अपने अंदर से ये फीलिंग्स जितनी जल्दी निकाल दोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे भविष्य के लिए और उसके फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? निया और अर्जुन के बीच मैं नहीं आ रही हूँ, बल्कि निया मेरे और अर्जुन के बीच में आ रही है। बस दिशा, ये फैसला मैंने इसलिए नहीं लिया है कि मुझे तुम कम प्यारी हो या निया ज्यादा प्यारी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि निया अर्जुन के लिए बनी है और अर्जुन निया के लिए। अच्छा ये होगा कि तुम अर्जुन को अपने दिल से, अपने सिस्टम से निकाल दो। ये गलत है पापा। ये गलत नहीं है, यही सही है, और इसी सच के आधार पर मैंने अपना फैसला लिया जो बदलने वाला नहीं है। मुझे ना एक पसंद है, ये नॉर्मल है बट अच्छा है ये भी। देख लो तुम्हें जो पसंद आया, मतलब इनमें से भी पसंद नहीं आता है तो मैं और मंगवा लूंगा, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज मत करना। आई वांट द बेस्ट फॉर माय डॉटर। थैंक्स डैड। नहीं, ये तो सभी माँ बाप करते हैं। नहीं डैड, थैंक यू अपनी बेटी को समझने के लिए, थैंक यू उसके ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए। सीरियसली डैड, मैं आपसे बात चाहे कितनी भी बार बोल दूँ कम है, पर फिर भी भूलूंगी। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड। गॉड, थैंक यू, यू आर द बेस्ट डॉटर। अश्विन जैसे भी बात हुई, उनका भी यही मानना है कि निया अर्जुन के लिए बेस्ट है।
happy now? Happy? I'm on top of this world. पर डैड पर एक और बात है जिसको लेके मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ. बोलो. अर्जुन और दिशा सेम ऑफिस में काम करते हैं एक साथ. अकेले हम सबकी नजरों से दूर तो आप समझ रहे हैं ना. आई ट्रस्ट अर्जुन. ऐसी बात नहीं है पर आई एम नॉट श्योर इफ आई एम कंफर्टेबल विद इट. मैं दिशा. अच्छा हुआ तुम यही आ गए. सी अर्जुन और मेरे शादी का कार्ड डैड ने सिलेक्ट किया है. प्रिटी है ना. बट फिर भी मैं चाहती थी कि तुम अपना ओपिनियन दो. तुम इतनी अच्छी इवेंट मैनेजर हो. आई एम श्योर तुम कुछ सजेस्ट कर सकती हो. कोई चेंजेस कोई सजेशंस. रामायण में महाभारत में हर ग्रंथ में यही लिखा है बेटा कि गुस्सा इंसान के दिमाग पर भारी पड़ता है इसलिए अपने गुस्से को काबू करना जरूरी होता है. पापा ने सिलेक्ट किया है तो अच्छा ही हो. लो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ. मैं चलती हूँ. दिशा ऑफिस जा रही हूँ. जरूरत नहीं है अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगे.